नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष इंदर हृदयेश का अंतिम संस्कार हल्द्वानी के रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर संपन्न हुआ। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा को उनके तीन बेटों बॉबी हृदयेश, सौरभ हृदयेश और सुमित हृदयेश ने मुखाग्नि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता इंदिरा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जिनमें कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, बीजेपी सांसद अजय भट्ट, कांग्रेस नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय शामिल हुए थे। एक अद्भुत व्यक्तित्व थी वो, जहां भी जिस पद पर भी रही उसको उन्होंने एक नई ऊंचाई प्रदान करने का काम किया। संसदीय परंपराओं की वो एक ग्रंथ थी अपने आप में। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नेता के रूप में, विधान परिषद के सदस्य के रूप में, उत्तराखंड में विपक्ष की नेता के रूप में मेरे साथ उन्होंने पूरी कांग्रेस को बनाने का काम किया। मैंगलोर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 1 दर्जन बाइक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस 3 फरार चोरों की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है। दरअसल एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। लंढौरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कल जो है हमारा मंगलोर कोतवाली चौकी लंढौरा में एक बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें हमने 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और 3 अभियुक्त इसमें फरार है। इनसे कुल जो है हम 12 मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया है। इसमें जो है 5 मोटरसाइकिल जो है हमारा जनपद में जो मोहतमाद संबंधित है और बाकी 7 मोटरसाइकिल को जो है हम अभी कनेक्ट करने का कार्रवाई कर रहे हैं। देश में बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों के विरोध में आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हरिद्वार में भी रानीपुर मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान हरिद्वार के सभी कांग्रेसी नेता एकजुट होते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस बीजेपी सरकार की इस तानाशाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा, जब तक देश में महंगाई कम नहीं होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो जो पेट्रोल के रेट हैं वो 35 रुपए प्रति लीटर किए जाएंगे और जो महंगाई है उस पर बीजेपी सरकार अंकुश लगाने का काम करेगी। लेकिन आज की बात करें तो अभी तक बाबा रामदेव ने जनता के साथ छल करने का काम किया है और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुड़की में बूढ़पुर जट गांव का दिल दहला देने वाला एक खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। खूनी विवाद में महिला, बूढ़े, बच्चे सभी लाठी डंडे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखे। लाठी डंडे और धारदार हथियारों के बीच ये पूरा विवाद का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस विवाद में एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं एक पक्ष के हाथ में विवाद के दौरान अवैध देसी कट्टा भी दिखाई दिया। पुलिस द्वारा मामले में दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही कार्रवाई करने में पुलिस सब जुट गई है। बता दें ये पूरा मामला 3 मई का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब हरकत में आई है। रुड़की की मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के बूढ़पुर गांव का ये पूरा मामला है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए बनी वैक्सीन लगाने को लेकर कई प्रकार के भ्रम समाज में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लगवाने में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय वैक्सीन लगवाने को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है, जिस वजह से कोविड-19 के खतरे को जड़ से खत्म करने की कोशिश कैसे सफल होगी ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समाज के सभी लोगों से जल्द वैक्सीन लगाने की अपील की है। खास तौर पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से फैले भ्रम के जाल को तोड़कर वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की है। देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार का जो तंत्र है, आशाएं हैं, आंगनबाड़ी है, हमारी एएनएम्स हैं और स्वास्थ्य विभाग है, तमाम जो उसमें डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन कई जगह पर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, इसलिए समाज के लोगों को उसमें बढ़ना चाहिए।
हम लोगों को, जिन लोगों के दिमाग में इस तरह के बहम हैं कि इस तरह से इस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, दूसरे तरह के कोई नुकसान हो सकते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं है, अगर आप नहीं लगाएंगे तब बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।